पार्ट एट में ये जो पहला है ये तो सिंपल है, कुछ करना जरूरत नहीं है। जो सेकंड पार्ट है x माइनस टू का क्यूब करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो आप कर लो x माइनस टू का क्यूब, यानी पहले आप x माइनस टू को x माइनस टू से गुणा करो तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा कर दिया आपने तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस टू एक्स, ओके। और ये माइनस दो से किया तो माइनस टू एक्स, और माइनस माइनस का प्लस यानी फोर, ये तो हो गया स्क्वायर करने से, यानी ये आपका जो है हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस के है ना टू एक्स, तो ये माइनस के माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, फोर एक्स हो जाएंगे प्लस फोर। इसको फिर आप गुणा कर दो एक्स माइनस टू से, एक्स से एक्स स्क्वायर किया तो एक्स क्यूब हो गया, ये माइनस फोर एक्स से फोर एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो गया प्लस चार एक्स। अब माइनस टू से गुणा कीजिए तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया ये, यानी इसके नीचे लिख दीजिए माइनस टू एक्स स्क्वायर, और माइनस एट एक्स हो गया ये, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस के एट, और ये एक्स का एक्स हो गया, और ये हो गया प्लस और माइनस का तो माइनस के एट, ओके। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो हो गया आपका एक्स क्यूब, और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर, और ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे बारह एक्स माइनस एट। अब देखिए आप इधर लिखिए इसको, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया इसका। अब आप लिखिए एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स माइनस एट। इनको ये राइट वाला जो है इसको लेफ्ट में लाइए, ठीक है। तो क्या है एक्स क्यूब, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ये क्या माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा बारह एक्स, और ये प्लस का एक है और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा आठ बराबर जीरो। अब देखिए एक्स क्यूब तो गया, कुछ नहीं बचा, माइनस फोर एक्स अरे प्लस, तो प्लस के ज़्यादा हुआ तो टू एक्स स्क्वायर हो गया, इन दोनों का सोल्यूशन किया तो टू एक्स स्क्वायर हुआ, और ये दोनों माइनस के हैं माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के तेरह एक्स हो जाएंगे, इन दोनों का सोल्यूशन ये हो गया, और ये प्लस के कितने हो जाएंगे प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये आपका आ गया इक्वेशन। अब क्या ये क्वाड्रिक है, तो देखिए इस पे स्क्वायर है, यानी क्वाड्रिक का क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। क्या ये इसमें है, ये एक्स स्क्वायर तो इसमें है, और ए जो है वो नोट बराबर जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है टू है, यहाँ पर ए बराबर टू है इसीलिए ए जीरो नहीं है, और ये एक्स स्क्वायर इस बीच में है, मिल गया, इसलिए एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं, क्लियर, क्योंकि इसमें ये इस फॉर्म में इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू दो है, बी की वैल्यू क्या है माइनस तेरह है, और सी की वैल्यू जो है वो नाइन है, क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।